गरीबी हमें गलत रास्ते पर ले जाती है? क्या जिस तरह रॉकी भाई एक डॉन बने, वैसा असलियत पे भी होता है? क्या मुंबई में आज भी है गोल माफिया? नमस्कार, मैं स्वाति और बॉलीग्राड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि प्रशांत नील की फ्रेंचाइज KGF रॉकी भाई की कहानी पर बेस्ड है, जो गरीबी में पले बड़े हैं। और उनकी माँ का एक सपना था कि वो अपने बेटे को एक बड़ा और ताकतवर व्यक्ति बनता देखे, और इसी सपने को पूरा करने के लिए रॉकी भाई निकल पड़ते हैं मुंबई की ओर, जहाँ वो कॉन्टैक्ट में आते हैं गोल्ड माफिया के और खुद भी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल और डॉन बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या गरीबी और मजबूरी का नाम लेकर क्राइम के रास्ते पर चलना सही है? क्या गरीबी और मजबूरी हमें वो करने को मजबूर कर देती है जो हम असलियत में है भी नहीं? क्या ये मूवी हमें ये सिखाती है कि आप गरीबी के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं? जी नहीं, हरगिज नहीं। KGF एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसकी माँ का सपना था कि वो उनको एक बड़ा और ताकतवर व्यक्ति बनता देखे। और सिर्फ रॉकी भाई की माँ नहीं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने आप को गलत रास्ते पर चला लेते हैं सिर्फ कुछ पैसे या ऊंचाइयां पाने के लिए, और उन्हें कोई गिल्ट भी नहीं होता। वो अपने कामों को जस्टिफाई करते हैं अपनी गरीबी और मजबूरी का नाम लेकर, और इसमें गलती रॉकी भाई जैसे व्यक्ति की नहीं है। बात यह है कि उनकी माँ का सपना था कि वो अपने बेटे को बड़ा व्यक्ति बनता देखे, और सपने देखे गरीबी या अमीरी देखकर नहीं आते, सपने औकात देखकर भी नहीं आते। अगर एक गरीब की माँ सोचती है कि उनका बेटा अमीर बने, तो एक अमीर व्यक्ति या एक अमीर औरत भी यही सोचती है कि उनका बेटा भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे। और इसी कारण उन्हीं सपनों के बोझ के तले दबकर लोग गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं अपने उन्हीं कुछ सपनों को पूरा करने के लिए। देखिए, गरीबी एक मजबूरी नहीं है, बल्कि हमारे देश की सरकार ने इसे एक मजबूरी के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट किया है। और इसी वक्त आते हैं प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर, जो अपनी इमेजिनेशन से हमें ना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या एक कहानी पेश करते हैं, बल्कि सच्चाई हमें दिखाते हैं। रॉकी भाई एक क्रिमिनल बन जाते हैं, एक डॉन बन जाते हैं, और हर एक डॉन और क्रिमिनल के पीछे एक कहानी होती है, एक कहानी उनकी गरीबी की, उनकी मजबूरी की, जिससे वो जस्टिफाई करते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। वो कहते हैं कि जब उनकी मजबूरी और गरीबी में किसी व्यक्ति ने उनका साथ नहीं दिया, तो वो अब किसी पर रहम क्यों खाएं? आपको क्या लगता है कि ये बात कहाँ तक सही है? अब अगर आगे बात करें KGF मूवी की, तो KGF 1 और 2 काफी हिट रही हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि मैं KGF को किस एंगल से देखती हूँ, तो मैं कहूँगी कि मेरे लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स की बजाय एक जिंदगी की कहानी है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि बॉलीवुड को इस तरह की फिल्मों से कुछ सीखना चाहिए, कि सिर्फ बार बार एक हीरो को रिपीट करना, या फिर क्रिंज कंटेंट पेश करना, या किसी भी मूवी में एक आइटम सॉन्ग डाल देना एक एंटरटेनमेंट या एक कहानी नहीं होती। प्रशांत नील ने बहुत खूबसूरती से इन सारे एक्टर्स और इन सारी कहानियों को हमारे सामने पेश किया है। उन्होंने दिखाया है कि सच्चाई क्या है, उन्होंने एक रॉ कंटेंट हमारे सामने पेश किया, और सिर्फ इसी कारण ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट भी कर पाई है। आप मेरी बात से बिल्कुल यकीन करेंगे कि आज की ऑडियंस बायोपिक को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। उसके पीछे कारण यही है कि उसमें रॉ कंटेंट होता है, और ऐसा ही कुछ KGF मूवीज ने भी किया है। अब आप देखिए कि KGF 1 और 2 इतनी हिट रही हैं, तो KGF 3 से तो हमारी उम्मीदें और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। KGF की कहानी में जहाँ दिखाया गया है कि कैसे रॉकी भाई मुंबई आकर एक गोल माफिया बन जाते हैं, तो अब सवाल ये है कि क्या मुंबई में आज भी है गोल माफिया? बिना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करे मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 90 के दशक में केरला से मुंबई में गोल्ड की स्मगलिंग होती थी, और वो करते थे वो अंडरवर्ल्ड के बड़े डॉन जो आज तक वांटेड हैं, जिनको हर कोई जानता है। अरे वही डॉन जिसको आज तक हमारी पुलिस नहीं पकड़ पाई है, वही डॉन जिसको बच्चा जानता है। उन्होंने अपने आप को अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा डॉन एस्टैब्लिश किया, और उन्होंने गोल्ड बिस्किट्स की खूब स्मगलिंग की। तो हो सकता है कि गोल्ड माफिया उस वक्त हो, शायद आज भी हो, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में।
अब अगर हम बात करें हमारे KGF मूवी की, तो इसके पार्ट 3 से ऑडियंस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हो सकता है कि पार्ट 3 में रॉकी भाई के विदेशों में अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन दिखाया जाए, या विदेशों के जो डॉन्स हैं उनकी कहानियाँ भी इस मूवी में पेश की जाए। अब इस मूवी में आगे क्या होगा, फिल्म की पार्ट 3 में क्या कहानी दिखाई जाएगी और प्रशांत नील की रिसर्च कितनी काम आएगी, ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा पार्ट 3 के रिलीज़ होने का। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आई तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सिनेमा देखते रहें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।